इंदौर के गुमाश्ता नगर में रहने वाले बर्तन कारोबारी के घर को बदमाशों अपना निशाना बनाते हुए घर का ताला तोड़कर नकदी 15 लाख और सोने चांदी के आभूषण लेकर फरार हो गए, जिसकी सूचना मिलते ही मौके पर एसपी, सीएसपी, पीआई व अन्य अधिकारी पहुंचे और जांच शुरू की। पुलिस को सीसीटीवी फुटेज भी मिले हैं, जिसमें दो संदिग्ध नजर आ रहे हैं। वहीं पुलिस कारोबारी के यहां काम करने आने वाले कर्मचारियों और नौकर से भी पूछताछ कर रही है। दरअसल वारदात शाम करीब 6:30 बजे की है। चंदन नगर थाना क्षेत्र के गुमाश्ता नगर में रहने वाले बर्तन व्यापारी रोहित अग्रवाल के घर को चोरों ने अपना निशाना बनाया। फरियादी ने बताया कि घर में छोटा भाई और पिता सभी बर्तन बाजार में दुकान पर थे। दोनों की शादी हो चुकी है। छोटे भाई की पत्नी बाजार गई हुई थी और माँ की तबीयत अचानक बिगड़ी तो रोहित की पत्नी माँ को अस्पताल लेकर चली गई। इसी दौरान चोर आए और घर का ताला तोड़कर सोने चांदी के गहने और 15 लाख रुपए चोरी करके ले गए। रोहित, छोटा भाई और पिता तीनों के कमरे अलग अलग है और सभी के कमरे में जेवर रखे हुए थे। माँ जब वापस आई तो देखा कि घर का ताला टूटा है और सभी कमरों में रखी अलमारियों के भी ताले टूटे थे। पत्नी ने सूचना दी और फिर पुलिस को शिकायत की। सीसीटीवी कैमरे में दिख रहे बदमाशों की पुलिस तलाश कर रही है। चंदन नगर में रात में कल शाम को इवेंट है, नकबजनी हुई है घटना, जो कि अपना जो चंदन नगर क्षेत्र में एक परिवार है और गुमास्ता नगर में कॉलोनी में वो रहते हैं। उनके यहाँ शाम के समय सभी लोग बाहर गए थे 2 घंटे के लिए। उस बीच में जो है दो चोरों ने एंट्री करके और उनका माल उड़ाया है। इसमें संदिग्धों के फुटेज हमें मिल गए हैं और कुछ अन्य सस्पेक्ट जो पॉइंट्स हैं वो भी हमने प्राप्त कर लिए हैं और टेक्निकल एनालिसिस और टेक्निकल सारे साक्ष्य को लेकर काम कर रहे हैं। फिंगरप्रिंट्स भी लिफ्ट किए हैं हम लोगों ने और बहुत जल्दी इस चीज़ का खुलासा करेंगे, आरोपी गिरफ्तार करेंगे। बड़ी चोरी बताया जा रहा है, क्योंकि 1 करोड़ का माल बताया। 1 करोड़ का तो नहीं उन्होंने बताया था, लेकिन उनका ऐसा कहना था कि कुछ शायद 12-13 लाख रुपए कैश उनका गया है। मैं भी स्पॉट पे गया था, हम लोगों ने गंभीरता से पूरा स्पॉट देखा है और कुछ जेवरात हैं जिनकी उन्होंने अभी कीमत नहीं बताई थी। उन्होंने कहा था कि हम सारा देख दाख के और चेक करके उसको बताएंगे, लेकिन कोई भी घटना हो पुलिस के लिए चैलेंज है और उसको निकालना हमारी जिम्मेदारी है। इंदौर से एनके मीना के साथ सचिन शर्मा की रिपोर्ट।